छबरा शहर के विचला तेलपा निवासी रामबालक महतो ने सीमित संसाधन व कमजोर आर्थिक पृष्ठभूमि के बावजूद अपनी लेखन प्रतिभा का सम्मान का परिचय देते हुए संक्षिप्त महाभारत सहित भगवत गीता के आशय को सरल उदाहरण द्वारा प्रस्तुत करते हुए कल्पवृक्ष नामक पुस्तक लिखी, जिसका प्रकाशन होने के बाद शहर में साहित्यकारों और बुद्धिजीवियों ने अपना शुभकामनाएं व्यक्त की। श्री महतो ने बताया कि विमोचन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि वर्तमान जीवन शैली जटिलताओं से इस प्रकार घिर गई है कि मानव अस्तित्व सुरक्षित रख पाना चुनौती सिद्ध हो रहा है। ऐसे में उनकी पुस्तक लोगों को सुखद अनुभूति प्रदान करेगी। भगवद गीता को अपने मानसिक क्षमता के अनुरूप मूल्य तथ्यों को आदर प्रदान करते हुए मातृभाषा में लिखने का प्रयास किया। विदितो की लेखक एक आदि सामान्य परिवार से है। स्थानीय राजकीयकृत आजाद चंद्रशेखर संस्कृत मध्य विद्यालय से गुरुकुल प्रणाली में माध्यमिक तथा दसवीं तक की शिक्षा सारण अकेडमी हाई स्कूल व ग्यारहवीं की शिक्षा श्री गंगा सिंह कॉलेज पूरी करने के बाद आर्थिक व पारिवारिक कारणों से आगे की शिक्षा स्थगित करनी पड़ी, किंतु साहित्य तथा श्रेष्ठ विद्वानों विचारकों की पुस्तकों और आध्यात्मिक गुरुओं के सानिध्य में अत्यधिक समय व्यतीत करने के कारण उनके विचारों वार्तालाप और लेखन की शैली में निरंतर वृद्धि होती रही। जीवन के कठिन संघर्षों से सामना करते हुए श्री राम बालक जी ने धैर्य नहीं खोया। आज विगत 25 वर्षों से शहर के प्रतिष्ठित थोक दवा व्यवसाय के संस्थान में सेवा देते हुए आंशिक पारिश्रमिक अर्जित कर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं, किंतु सदैव ईश्वर चर्चा से संतुष्ट रहने वाले श्री महतो अपने आराध्य श्री कृष्ण सहारी समाज के व्यथित वृद्ध जनों पर हताश मित्रों को धैर्य धारण करने का प्रयास करते हैं। अनेकों निराशजनों को उन्होंने मार्गदर्शन दिया और उन्हें पूर्ण उत्साह के साथ भगवद गीता के उदाहरण प्रस्तुत करते हुए पूरी शक्ति से विपरीत समय के विरुद्ध संघर्ष करना सिखाया, परंतु आर्थिक तथा मानसिक परेशानियों से जब वो स्वयं विचलित हुए तो ऐसे समय में उनको कुछ अतरंग मित्रों ने उन्हीं को सुनाकर उन्हें प्रोत्साहित किया। विशेष सहयोग करने वाले मित्रों में श्री पप्पू कुमार यादव, श्री धनंजय कश्यप, शशि रंजन पाठक, रघुकुल तिलक, शत्रुघ्न चौधरी आदि मित्र हैं। इन मित्रों ने इस पुस्तक के लेखन के लिए सदैव इन्हें प्रेरित किया। प्रभारी मेयर रागिनी देवी, पूर्व मेयर राखी गुप्ता, जयप्रकाश, विश्वविद्यालय के वरीय प्राध्यापक अनुपम कुमार, श्री महतो और उनकी पुस्तक कल्प वृक्ष श्रीमद भागवत गीता को शुभकामनाएं व्यक्त की। छपरा से मनोरंजन पाठक की रिपोर्ट। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इस कल्प वृक्ष से? मैं उन्हें ये मैसेज देना चाहूंगा कि आज के युवा जो है पहले उनकी इच्छा को की बात करते हैं हम। वो चाहते हैं कि हम अभाव में कभी न रहें, ज्यादा से ज्यादा सुविधा में रहें। हमारे गार्जियन, हमारा समाज, हमारा देश, हमारा स्टेट हमको ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटी दे। तो ये चाहते हैं कि वो सुख में रहें। वही बात शरीर के हिसाब से भगवान ने कहा है कि मन जो है हम सारे इंद्रियों का राजा है और वो कभी अभाव में नहीं रहता है। कभी किसी व्यक्ति को आपने कहते हुए नहीं सुना होगा कि भैया मन कर रहा है कि थोड़ा मैं प्लास्टिक टांग के रोड पर जैसे रहते हैं खाना बदोश लोग उस तरह से रहे, थोड़ा दो चार दिन भूखे रहते, थोड़ा कीचड़ उचर लगा रहता, ऐसा किसी का मन नहीं करता है। तो हमारे किशोर कुमार ये चाहते हैं कि उनको कभी कष्ट न हो। तो कष्ट न हो इसके लिए एकमात्र उपाय है ज्ञान, और ज्ञान के लिए एकमात्र उपाय है भगवद्गीता, भगवान के संदेश जो उन्होंने बताए हैं कि भैया इस मार्ग पर चलो, उस अनुशासन का पालन करो, परिवार के नियमों का पालन करो, उसके बाद समाज के नियमों का पालन करो, देश के नियमों का पालन करो, विरोध करो, लेकिन तुम्हारा तर्क और तुम्हारा उद्देश्य सुंदर होना चाहिए और सुंदर उद्देश्य से परिपूर्ण होना चाहिए, क्योंकि भटकाव आपको कभी सफलता नहीं देगी। भटकने की स्थिति में और उद्देश्य ही सुंदर नहीं होगा तो फिर आगे की कोई योजना उनकी काम नहीं कर पाएगी। सुख की प्राप्त करना तो दूर की बात है, आज वो उसका फ्रस्ट्रेशन, उसकी प्रतिक्रिया समाज में देखी जा रही है कि भाई उस तरह की जैसा गार्जियन मतलब अभिभावक भी जो चाह रहे हैं, जो चाह के उन्होंने बच्चों को शिक्षित किया था, वो उद्देश्य बिल्कुल ही विफल हो गए। अभी 3-4 दिन पहले दैनिक भास्कर पर में ये बात बताई गई थी कि 740 गांवों में जिलों में भारत के 300 कुछ में 400 कुछ में वृद्धाश्रम बना दिए गए हैं और में बनाने की तैयारी में है, और सरकार इस पर चिंतित है कि ये परिस्थिति क्यों आ रही है। ये परिस्थिति आने का कारण ये है कि आज से 25 वर्ष पहले 90 के दशक में खेल से लेकर समाज तक, पंचायत से लेकर गुरुकुल प्रणाली पर गुरु को प्रणाम करना, खेतों में काम करना, पशुओं की सेवा करना, बुजुर्गों की सेवा करना, ये परंपराएं अभी हाल की थी, 95 तक थी, लेकिन इस इधर 20 वर्षों में जो हम कह रहे हैं कि हमारा भारत उन्नत हो रहा है, हम विकसित कर रहे हैं, हम डेवलप कर रहे हैं, हम महाशक्ति के साथ
साथ लेकर चल रहे हैं वो सारे उद्देश्य विफल हो गए, क्योंकि जब जनरेशन ही हमारा विध्वंस हो गया तो उसके बाद हम भविष्य क्या हो सकता है आप सोच सकते हैं। एक आशा की किरण है तो यही भगवद गीता है, जिसको बच्चों के इच्छा के अनुरूप उनको पढ़ने को दिया जाए। एक्चुअली बच्चे खोजते हैं कि उसमें हमारी मनोनुकूल बातें हों, जैसे मैजिकल स्टोरी, लव स्टोरी इत्यादि बनती हैं, कुछ उनके मनोरंजन की चीजें हों, कुछ उनके टेक्निकल चीजें हों, वो विज्ञान की चीजें हों, ऐसा कुछ चीज हो जो जिससे उनको लगे कि भैया हम डेवलप कर रहे हैं, हम समाज में औरों से अच्छे हैं। तो आज जितने अच्छे हैं इससे बहुत ज्यादा अच्छे महाभारत काल में थे। उदाहरण के लिए संजय धृतराष्ट्र के सारथी थे, आज लाइव टेलीकास्ट देखा जाता है, क्रिकेट होता है तो रात रात भर बैठ के बच्चे हमारे देखते हैं क्रिकेट, विश्व कप हो रहा है लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं, खेल कहीं हो रहा है देखे आ रहे हैं। भैया वो लाइव टेलीकास्ट संजय ने दिखाई थी कुरुक्षेत्र के धृतराष्ट्र को, कह के सुनाई थी, कौन सी मशीन लगी थी सर उस दिन, कौन सी टेक्नोलॉजी थी उस दिन, तो उस दिन का विज्ञान आज के विज्ञान से बहुत ज्यादा आगे था। आज सेरोग्रेट मदर की व्यवस्था हो रही है, भ्रूण को प्रत्यापित किया जा रहा है माताओं को, जिन स्त्रियों को संतान की आवश्यकता है, तो अम्बा को अम्बे को और अम्बालिका को संतान कैसे हुआ था, वो ट्रांसप्लांट की कौन सी विधि थी, कौन सी दवा चलाई गई थी जो वेद व्यास मुनि ने मंत्रों के माध्यम से किया था। ये शक्ति है अध्यात्म की, और वो शक्ति मिलेगी ईश्वर की भक्ति से, उनकी बातों को मानने से, उनके बताए रास्ते पर चलने से। बहुत अच्छा लगा। घर में हमेशा लिखते पढ़ने समय काफी कभी कभी ऐसा होता था, पहले क्या लगता था जब ये शुरू किए थे उस समय लगता था कि ठीक ही करते थे, बाकी बहुत अच्छा लगा। पहले शुरू में अच्छा नहीं लग रहा था कि क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, मत लिखो। अब बहुत अच्छा लगता है, समझ सकते हैं, काफी नाम हो रहा है, जाकर अपना लिखते हैं या हम अपने कोई। क्या नाम है आपका? रामावती देवी। किस तरह की उपलब्धियां प्राप्त की है? इनसे कुछ बात हुआ कि हम जानते थे कि हम कुछ जानते हैं महाभारत के बारे में, तो इनसे कहे तो ये हमको इतना न बता दिए कि हम समझ रहे थे कि पहले इनसे कुछ पूछे रहते तो हमको और जानकारी होता, ये इतना न लाइन से बताने हैं, मैंने बताए हैं कि कैसा लगा आपको? हम जाने बहुत अच्छा, हमको तो लगा कि 6 महीना पहले भेटाए रहते ही इनसे बात होता तो हमको और कुछ ज्ञान होता, बाकी हम जो जानते थे वही ना, बहुत जानते थे, भगवत गीता जानते हैं। भगवत गीता आप लोग अब हिंदी में पढ़ रहे हैं, हिंदी में समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। क्या नाम है आपका? भगवान राय। के गांव में एक ऐसे शख्स हैं जो कि जिन्होंने मोबाइल से ही भगवत गीता लिख दिया है और काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। इससे बहुत बड़ा खुशी हुई कि हमारे महाला के अंदर एक राम बालक कश्यप जी संस्कृत में लिखा हुआ चीज को हिंदी में लिख कर और हमको पढ़ने को सरल भाषा में जो कि हम लोग पढ़ सकते हैं, खुला पढ़ने का मिला, जो कि हम अच्छी ढंग से पढ़कर हम इस समाज को सुना सकते हैं, एक किताब से बहुत बड़ा खुशी है। क्या कहेंगे आप राम बालक जी? राम बालक जी हमारे गांव में बहुत बड़ा यश कमाए, जो कि लेखक के नाम से बोले जाएंगे कहे जाएंगे, और हिंदी में लिखने का कला सही है कि हम हर आदमी पढ़ सकते हैं, जो कि समझ सकते हैं संस्कृत को नहीं जानते। क्या नाम है आपका? विद्या यादव। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का।